इन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, SSC CGL Tier 1 का 8 दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी 10 दिन और एग्जाम ये चलेगा। तो बहुत से कैंडिडेट से मुझे पेपर का फीडबैक मिला, उसी के बेस पर मैं कह सकता हूँ कि जो पेपर है इस बार जो आ रहा है, तो जैसे प्रीवियस ईयर पेपर Tier 1 में पूछा जाता था, क्वेश्चन उसी तरह के पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, मतलब चाहे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या GA, सभी में क्वेश्चन का पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा प्रीवियस ईयर पूछा जाता था SSC के द्वारा। क्वेश्चन की अगर मैं लेवल की बात करूं, तो लेवल भी क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे रीजनिंग में मिरर इमेज, सिलोगिज्म, सीरीज, फोल्डेड फिगर, इसी तरह के क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर जैसे उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार भी। तो अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, तो अपने एक्सप्रेशन भाइयों के अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि रीजनिंग और इंग्लिश से आप पेपर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ा कंपेरेटिवली फंसने के भी चांसेस कम रहते हैं और आसान भी है सेक्शन, तो इसी में आप अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी अपने एक्सप्रेसमैन भाई इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, सभी के 60+ अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। मैथ में वहीं कुछ क्वेश्चनों में कैंडिडेट फंस रहे हैं, और GA में भी अटेम्प्ट कम ही है, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश में ही वे इतने अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जिससे उनका आराम से वो जो सेफ स्कोर है वहां तक वे आराम से अपना कर पा रहे हैं। कट ऑफ को लेकर काफी कैंडिडेट चिंतित है, क्योंकि एक अपने एक्सर्विसमैन भाइयों की बात करूं, लास्ट ईयर जो था कट ऑफ एक्सर्विसमैन का 100 मार्क्स था Tier 1 का, तो इसी वजह से वे थोड़े चिंतित है कि क्या इस बार भी कट ऑफ इतना हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बात करूं, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था ये 100 मार्क्स था, लास्ट ईयर अगर वैकेंसी आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो केवल 240 के अप्रोक्स वैकेंसी थी अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों की, जो इस बार जो है 800+ है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मतलब 3.5 टाइम्स वैकेंसी है इस बार 2024 में। तो उसे देखते हुए और पेपर का लेवल देखते हुए मैं 100% श्योर हूँ कि जो कट ऑफ है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का वो 200 नंबर में से 80 मार्क्स से ऊपर नहीं जाने वाला है, मतलब 80 मार्क्स बिल्कुल सेफ है जितना जिसका भी इतना स्कोर बन रहा है, मतलब आपको केवल 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 80 तो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मुझे तो पूरा लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो 70-75 के आसपास ही रहेगा, और एग्जैक्ट कट ऑफ तो 26 के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है अपने एक्सर्विसमैन भाइयों का। जनरल कैटेगरी में भी अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी में भी अच्छे कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी 135 से ऊपर जिनका भी स्कोर जा रहा है, उन सभी का आराम से उम्मीद है Tier 1 क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पहले भी ये बात बोली थी, Tier 1 को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है अपने एक्सप्रेसमैन भाइयों को, क्योंकि ये केवल एक क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। और हाँ, एक और डाउट जो काफ़ी कैंडिडेट के मन में है कि सेक्शनल कट ऑफ को लेकर, तो SSC CGL में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, मतलब आपको कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी कुछ मार्क्स लाने हैं या GA में भी कुछ आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है CGL में, ठीक है। आपको आपको ओवरऑल एक कट ऑफ क्लियर करना होगा, बस सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है CGL में, तो उसे भी लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जिन भी भाइयों का एग्जाम बच रहा है उन्हें मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि 40 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेकर चलना है, कि 40+ मतलब इतने तो मुझे करने ही करने हैं, जिनके इससे ऊपर हो रहे हैं 50-60 हो रहे हैं उन्हें तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, पर जिनके कम अटेम्प्ट हो रहे हैं उन्हें मैं यही बोलूंगा कि वे किसी क्वेश्चन पे, जैसे कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 30-35 ही हो पा रहे हैं, तो उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैथ और GA में ज़्यादा ना अटकें, या बल्कि रीजनिंग में भी किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत दो, 60 मिनट का टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, और इसमें किसी भी क्वेश्चन आपके पास काफी है, एक क्वेश्चन पर अटक रहे हो तो उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे आपको और क्वेश्चन
मिलेंगे जो आप आराम से कर सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीएमए है, जीएमए तो बिल्कुल भी बताऊं 4-5 मिनट से ज्यादा आपको देना ही नहीं है, ठीक है। आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ो और आगे बढ़ो। हाँ, तुक्के भी नहीं मारने हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है आपको, कि ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में कभी सोचो कि मेरे तो यार 35-40 हुए हैं, बस मेरे इतने में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं थोड़े तुक्के मार देता हूँ, तो ये गलती मत करना बिल्कुल। हाँ, जिसके 25-30 बहुत ही कम हो रहे हैं अटेम्प्ट तो उनकी अलग बात है, लेकिन जिसके 40 के आसपास अटेम्प्ट हो जा रहे हैं और उन्हें लगता है मेरे इतने ठीक होंगे, 40 करें 40 ठीक होंगे, तो ओवर अटेम्प्ट मत करना। दो ऑप्शन में अगर डाउट है तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्का मत मारना जीए में, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हमें लगता है ऐसा कि नहीं ठीक है मार देते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, पर तुक्के बिल्कुल ब्लाइंडली मारोगे गलत हो जाएगा निगेटिव मार्किंग में फालतू में आपका, और फिर बाद में एक नंबर से भी अगर रह जाएगा 0.5 एक नंबर से बहुत कैंडिडेट का रहता है तो तब हमें अफसोस होता है, ठीक है। तो ब्लाइंडली तुक्के मत मारना, थोड़ा बहुत डाउट है तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जिन भी भाइयों का अपना एग्जाम हो चुका है, उम्मीद है उन्होंने अपना बैंक का जो मेंस के एग्जाम आ रहे हैं अभी उसकी तैयारी शुरू कर दी होगी, और जिनके अभी एग्जाम सीजीएल के बचे हैं वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, फायदा मिलेगा आपको, और एग्जाम के तुरंत बाद अपना बैंकिंग मेंस पे भी फोकस करें, क्योंकि सीजीएल टीयर टू के लिए अभी काफी टाइम मिलेगा आपको बैंकिंग मेंस के बाद। बैंक मेंस की स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, तो जिनका भी सीजीएल टीयर वन का भी एग्जाम बचा है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक और मैं बात बोलूंगा कि अगर बाई चांस किसी को कुछ भी डाउट रहता है, मेरा वीडियो नहीं आया तो वीडियो को वेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने नंबर अपना दे रखा है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।